एक लावारिस बैग। जब वो बैग ताजमहल के सुरक्षा कर्मियों को मिला तो उस बैग में जो मिला उसे देखकर चारों ओर हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्या था उस बैग में? आखिर क्या था उस बैग में ऐसा जिसे देखकर सुरक्षा कर्मी भी हक्के बक्के रह गए, जिसे देख वो अफरा तफरी मच गई? क्या उस लावारिस बैग में कुछ ऐसा था जिसे वहां नहीं होना चाहिए था, या उस बैग में कोई ऐसा बम था जिससे कई लोगों की जान पर बन सकती थी? सवाल तो कई हैं और जवाब सिर्फ उस बैग में बंद। और उन सुरक्षा कर्मियों के पास है वो जवाब जिन्हें तलाशी के दौरान बेनाम बैग मिला था। क्या है पूरा मामला, क्या है बैग में, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। खबर है कि ताजमहल को बंद करते समय सुरक्षा कर्मियों को एक बैग मिला। उस बैग में जो था उसे देखकर वो चौंक उठे। इस बैग में कोई बॉम्ब नहीं बल्कि 10 लाख भारतीय रुपए और विदेशी मुद्राएं थी। बता दें ये बैग पश्चिम बंगाल से ताजमहल का दीदार करने आए एक पर्यटक का निकला। दरअसल एक युवक उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल का दीदार करने आया था। उस समय वो अपना बैग वहां भूल गया। छानबीन के दौरान जब वो बैग सुरक्षा कर्मियों को मिला तो उसके अंदर लाखों रुपए और विदेशी मुद्राओं को देख वो हैरान रह गए। सुरक्षा कर्मियों ने उन नोटों से भरे बैग को सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद वो बैग उसके मालिक को वापस लौटाने के लिए जांच शुरू कर दी गई। ये नोटों से भरा बैग मिलने के बाद उसकी जांच की गई। बैग किसका है इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में एक पर्यटक के पास ये बैग नजर आया। पर्यटक भी अपना खोया हुआ बैग खोज रहा था। बता दें इस बैग में कुछ दस्तावेज भी मौजूद थे। उनका वेरिफिकेशन करने के बाद बैग पर्यटक को सौंप दिया गया। नोटों से भरा बैग जब उस युवक को मिला तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। फिलहाल अब वो नोटों से भरा बैग उस युवक को सौंप दिया गया है। हालांकि सबसे अहम सवाल तो ये है कि आखिर वो युवक उस नोटों और विदेशी मुद्राओं से भरे बैग के साथ वहां कर क्या रहा था? क्या वो किसी मंशा से वहां आया था? दुनिया के 7 अजूबों में से एक आगरा के ताजमहल को देखने देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। इतने भीड़ भरे क्षेत्र में एक ऐसे पर्यटन स्थल में लाखों रुपए से भरा बैग और कुछ विदेशी मुद्राओं के साथ एक युवक वहां भूल गया था, उसके बाद ये बैग उसे मिल गया। बहरहाल बैग तो उसके असली मालिक को सौंपा जा चुका है, लेकिन सवाल तो अब भी कई हैं। इन सवालों के जवाब पुलिस खंगाल रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।